गाइज आज के टाइम पे नॉर्मली हम लोग एक लैपटॉप में क्या ढूंढते हैं, सिंपल सी बात है यार। अगर आप एक वीडियो एडिटर है या फिर आप एक यूट्यूबर है तो आपको थोड़ा बहुत एडिटिंग चाहिए अच्छी सी लैपटॉप के अंदर। अगर आप गेमर है तो आपको एक अच्छा सा लैपटॉप चाहिए जिसमें कि आपके नॉर्मल गेम्स चल जाए, जैसे कि 40 से 50 FPS तो यार आपको आराम से प्रोवाइड कराएंगे अगर आपके लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड है। और अगर आप नॉर्मली एक नॉर्मल यूजर है एंटरटेनमेंट वाले, जैसे यूट्यूब आपको चलाना है या फिर आपको करना है थोड़ी बहुत सी गेमिंग प्ले कैजुअल गेमिंग के लिए, तो आपके लिए यार एक नॉर्मल सा लैपटॉप चाहिए। तो गाइज आजकल हम लोग अगर मार्केट में जाते हैं तो हमको अपनी नीड्स के हिसाब से लैपटॉप लेना चाहिए, तो वही सोच के मैंने एक लेटेस्ट लैपटॉप परचेस किया है। और ये वीडियो शायद ये लैपटॉप है मेरी मोस्ट एक्सपेंसिव परचेस यूट्यूब के रिलेटेड। अब ये क्यों? क्योंकि मैंने यूट्यूब पे पहली बार इतना इन्वेस्ट किया है और मुझे आउटकम अभी तक कुछ मिला नहीं है, तो ये एक बेवकूफी कर सकता है, बट मैं दूर का सोच रहा हूं। सो गाइज मैं विवेक, आप देख रहे हैं टेक्निकल विवेक यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, क्योंकि ऐसे वीडियो में लाता रहता हूं। और अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आया तो यार लाइक भी कर देना वीडियो को। तो बस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये लैपटॉप है लेनोवो का आइडियल पैड 330। अब ये लैपटॉप मैंने क्यों चूज किया, इसके एक अलग रीजन है, मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। क्योंकि देखिए आजकल मैं जो वीडियोस थोड़ा सा क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइक अभी मेरी वीडियो की क्वालिटी यहाँ है तो मैं उसको यहाँ लेके जाना चाहता हूँ, तो यहाँ लेके जाने के लिए मुझे जो इतना गैप है उसको भरना पड़ेगा। अब वीडियो एडिटिंग एक चीज है जो कि मैं थोड़ा बहुत उसमें इंप्रूव करके वीडियो की क्वालिटी यहाँ से यहाँ ले जा सकता हूँ, तो मैंने सोचा कि यार वीडियो एडिटिंग के लिए बढ़िया सा एक लैपटॉप लेना चाहिए। जो मैंने पहले HP का लैपटॉप अमेजोन सेल में परचेस किया था उसमें AMD का प्रोसेसर था और रॉ परफॉर्मेंस में वो इतना अच्छा था नहीं कि मुझे अच्छी खासी वीडियो एडिटिंग प्रोवाइड करवा सके, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सेटअप को थोड़ा इंप्रूव करूं यार, एक बढ़िया से लैपटॉप ले लूं जिसमें मेरे सारे काम हो जाए। अब मैं थोड़ा बहुत गेम भी खेलता हूँ यार, मतलब एक गेमिंग का कीड़ा है मेरे अंदर, तो गेम्स मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है, जैसे कि GTA 5, बाद में Tekken 7, COD, तो इस टाइप के गेम्स में कुछ ज़्यादा खेलता हूँ। और मेरा वो लैपटॉप था वो मुझे 40 ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 40 FPS ही प्रोवाइड करा पाता था, उसमें क्या मज़ा नहीं आता था यार। तो मैंने सोचा थोड़े इंप्रूव करता हूँ, और उसकी जो उसमें जो मुझे एक प्रॉब्लम लगी थी, उसका डिस्प्ले उतना अच्छा नहीं था, Full HD डिस्प्ले नहीं था, और यहाँ पे मुझे Full HD+ डिस्प्ले मिल रहा है, तो एक और रीजन हो सकता है कि इस लैपटॉप के साथ जाऊँ मैं। और यहाँ पे ये सबसे बढ़िया चीज लगती है कि ये लैपटॉप टोटल कन्वर्टेबल है, 360 डिग्री कन्वर्टेबल लैपटॉप है, मतलब कि ये पूरा ऐसे आप इसको घुमा सकते हो, मैंने ऑलरेडी वीडियो में दिखा दिया है, तो उस तरह का ये लैपटॉप है, यानी कि आप इसको सोके भी यूज कर सकते हो, तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। अब यहाँ पे मुझे क्या क्या चीज़ें मिलती है, मुझे ये लैपटॉप कितने का पड़ा, आप लोग के मन में डेफिनेटली ऐसे सवाल आ रहे होंगे, तो मैं फटाफट से सारे सवाल के क्वेश्चंस के आंसर कर देता हूँ। पहली चीज़ कि मुझे ये लैपटॉप मैंने ऑफलाइन लिया। अब ऑफलाइन लेने का सबसे बड़ा रीज़न क्या, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मुझे ऑफलाइन लेने के बाद जो सर्विस है वो अच्छी मिलेगी, क्योंकि जे जहाँ से मैं ये लैपटॉप लिया वो ऑलरेडी मेरे फ्रेंड की शॉप है, तो यार उसने मतलब मुझे ऐसा कहा कि भाई तू लेके जा यार बेफिक्र, अगर कुछ भी दिक्कत होती है तू लेके आना मेरे पास। तो ये एक सबसे बढ़िया रीज़न है ऑफलाइन मार्केट से परचेस करने का। अब ऑनलाइन मार्केट से अगर आप परचेस करते हो तो ऑनलाइन में बोलो कि सर्विस काफ़ी लेट है, मतलब यार कुछ भी इश्यू होता है कॉल करो तो हाँ मैं हमारे टेक्नीशियन आज विजिट करेंगे, देन कुछ इश्यू की वजह से आज नहीं आ पाए कल विजिट करेंगे, तो ये सब प्रॉब्लम्स आ जाती है ऐसे ऑनलाइन परचेस में। और ऑफलाइन परचेस में यही सब हमको बेनिफिट्स मिलता है कि आपको तुरंत सर्विस मिल जाती है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। अब दूसरी चीज मुझे ये लैपटॉप और क्यों मैंने इसी को लिया, तो वो इसमें i3 7th generation का लेटेस्ट प्रोसेसर है, और यहाँ पे मुझे 2GB का एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड मिलता है, यानी कि AMD Radeon 530 TM, तो ये एक एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड है, इनबिल्ट APU नहीं है। और सबसे बढ़िया चीज कि इंटेल के प्रोसेसर में भी आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक मिल जाता है थोड़ा बहुत, तो एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड 2GB और इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड, तो ये दोनों जब मिल के परफॉर्मेंस आपको देते हैं, प्लस साथ में कपल्ड i3 का 7th generation प्रोसेसर, तो यार परफॉर्मेंस एकदम चुम्बेश्वरी मिलती है। तो ये तीसरा रीजन था कि मुझे ये लैपटॉप पसंद आया, क्योंकि मैंने वहाँ पे चला के देखे बहुत सारे लैपटॉप्स और ये लैपटॉप्स की परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छी लगी, साथ में यहाँ पे विंडोज 7 1 ईयर का लाइसेंस और मैकेफ का एंटीवायरस भी मिल गया है मुझे 1 ईयर के साथ, तो यार ये बढ़िया बात है। साथ में MS Office भी एक ईयर की फ्री आई है, तो अगर आप एक MS Office या फिर ऐसे टास्क करते हो तो आपके लिए भी ये लैपटॉप यार बढ़िया चॉइस हो सकता है। अब यहाँ पे इंटीग्रेटेड ग्राफिक साथ में AMD का ग्राफिक AMD Radeon 530 TM, तो ये दोनों मतलब मिलके बढ़िया सी परफॉर्मेंस आपको दे देते हैं गेमिंग में। और वीडियो रेंडरिंग में मेरे जो अभी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स है जैसे कि Adobe प्रीमियर प्रो या फिर सोनी वेगास प्रो, ये सब भी इसमें आराम से चल जाते हैं, एकदम स्मूथली चलता है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है। और मैं जो अभी थंबनेल बनाने वाला हूँ जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो वो है Adobe का CC, तो यहाँ पे जो लेटेस्ट है तो वो मुझे मेरे वो वाले लैपटॉप पे लैग करता था, तो मैंने सोचा यार क्यों ना एक ऐसा लैपटॉप लिया जाए जिसमें मेरे सारे काम हो जाए, मतलब एक
लैपटॉप से ही, तो मैंने ये लैपटॉप इसके लिए परचेस किया और वहां पे थंबनेल भी मैं अच्छी खासी बना सकता हूँ, तो एक ही लैपटॉप से सारे काम हो जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ कुछ आपको बातें बता देता हूँ। ये लैपटॉप मुझे 35,000 का पड़ा है ऑफलाइन मार्केट में, बार्गेन करने के बाद, यार फ्रेंड था तो उससे ज्यादा बार्गेन कर नहीं पाया, यू नो, तो उसको भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो कमाना ही है। तो अगर आप लोग ज्यादा बार्गेन करोगे तो आप लगभग 32 तक ला सकते हो, तो 32 में यार एकदम किलर डील है, ट्रस्ट मी, आपको ऑफलाइन सर्विस भी बढ़िया से मिल जाएगी, तो ये बेस्ट है। और मुझे अब थोड़ा बहुत प्रॉस एंड कॉन्स बता देता हूँ। तो यहाँ पे प्रॉस मुझे ये लगा है कि ये लैपटॉप कन्वर्टेबल है, यानी कि आप इसको आराम से सो के हेडफोन डाल के कुछ भी यूज करो, मस्त आराम से यूज कर सकते हो। फुल एचडी डिस्प्ले, ये भी दूसरा है, क्योंकि यहाँ पे विविंग एंगल्स जो है अच्छे खासे दिख जाते हैं, आप साइड से भी बैठ के देखते हो, आजू बाजू वाले फ्रेंड्स भी कुछ बैठ के देखते हो, तो साइड वाले को भी क्लियर दिखता है, विजिबल दिखता है, तो ये भी एक प्रॉस है, मुझे लगा ये अच्छी चीज है इसमें। और अब यहाँ पे कॉन्स की बात करें तो कॉन्स ये है ये लैपटॉप, हाँ प्रॉस और एक बता देता हूँ, इसका जो डिजाइन है वो काफी अच्छा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो डिजाइन अच्छा है, साथ में आपको यहाँ पे सी टाइप पोर्ट मिल जाता है ये लैपटॉप के अंदर, और डॉल्बी साउंड मिल जाता है, डॉल्बी साउंड यानी स्पीकर थोड़े बहुत अच्छे हैं, आपको एक एक्सटर्नल स्पीकर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप नॉर्मली मूवीज या फिर ऐसे गेम्स या फिर नॉर्मली सॉन्ग्स वॉन्ग सुन सकते हो, यार अलग से स्पीकर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपका वो खर्चा भी बच जाएगा डॉल्बी साउंड की वजह से, तो ये भी एक बढ़िया चीज मुझे लगी है। अब ये लैपटॉप के अंदर मुझे कॉन्स क्या लगा, तो सबसे पहली चीज यार इसकी बैटरी कम चलती है, अब गेमिंग लैपटॉप तो आप लोग जानते ही हो बैटरी उसकी कम चलेगी, क्योंकि उसमें अलग से ग्राफिक कार्ड फिर गेम खेलोगे तो यार ऑब्वियसली आपकी बैटरी कम चलने वाली है, तो यहाँ से 3 या 4 घंटे आपको बैटरी लाइफ मिलेगी इस पे, अगर आप एक मॉडरेट यूजर हो या फिर दिन मतलब 4 घंटे लगे रहते हो कंटिन्यू गेमिंग में टैंक टैंक ठाट, तो ये डिपेंड करता है, तो बैटरी थोड़ा सा कम है वो आप लोग देख लेना। तो यही मुझे एक कॉन्स लगा है, बाकी यहाँ पे आपको यार चिकलेट वाला कीबोर्ड नहीं मिलता है जिसमें लाइटनिंग लाइट जलती है, तो एक ही यहाँ पे एक दो बटन में ही लाइट जलती है, नम लॉक और ये पावर बटन, तो वो दो से कैसे काम होगा, मतलब थोड़ा बहुत ये एरो की या फिर जो गेमिंग की कीज आती है उस पर अगर आपको दे दिया जाता तो ज्यादा मजा आता, इंप्रूव मतलब मजा आ जाता गेमिंग करने में। तो बस ये कुछ कॉन्स मुझे लगी, बाकी इस बजट में आपको कहां चिकलेट कीबोर्ड मिलने वाला है, तो बस यही कुछ था आज की वीडियो बताने के लिए। अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आया और अगर आपको ये लैपटॉप परचेस करना हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी आप परचेस करो, ट्रस्ट मी गाइज ये लैपटॉप एकदम टोटल वैल्यू फॉर मनी मुझे लगा है, मतलब आपके एक एक पैसे वसूल करवाएगा। तो बस मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, तब तक के लिए बाय बाय।